हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब? सो गाइस, टुडे वी हैव मारुति स्विफ्ट और ये है स्विफ्ट का स्पोर्ट्स वेरिएंट। और वैसे तो स्विफ्ट ऑलरेडी एक स्पोर्टी कार है, बट इसको कंपनी ने सोच लिया इसको और ज़्यादा स्पोर्टी बनाने का। तो जैसे आप देख रहे हो, कार बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है, बहुत ही ज़्यादा किलर लुक लग रहा है। और जिन लोगों को कस्टमाइजेशन का शौक है, जो लोग चाहते हैं अपनी कार्स में ग्राफिक बनाना, उनके लिए गाइस ये एक बेस्ट वेरिएंट हो सकता है। बिकॉज इसमें कस्टमाइजेशन यूज़ करी है कंपनी ने, वो लाइक नेक्स्ट लेवल है। यार अगर बात की जाए कार के एक्सटीरियर लुक की, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिकरिंग ग्राफिक वर्क्स, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। एक्सटीरियर में आपको वही सेटअप मिलता है जो करंट स्विफ्ट में आ रहा है। टायर के सेक्शन प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें 185/65 R15 इंच के आपको टायर मिलेंगे और सेम अलॉय डायमंड कट अलॉय व्हील आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड बात की जाए अगर कार के साइड प्रोफाइल की, तो अगर आप इसको साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको पूरा नीचे पूरा आपको स्टिकरिंग वर्क देखने को मिलेगा। जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं कार की साइड प्रोफाइल में, बहुत ही ज़्यादा किलर लग रहे हैं गाइस। फर्स्ट लुक में आपको देखते ही कार पसंद आ जाएगी। काफ़ी अच्छी स्टिकरिंग करी गई है कार में, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं कार में। तो जैसे ही आप देखेंगे, अगर आपको शौक है स्टिकरिंग और ग्राफिक्स का, तो आई डोंट थिंक सो आपको ये कार डिसअपॉइंट करेगी। बात की जाए गाइस अगर इसके इंटीरियर की, तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर में और हम चेक करते हैं इसके इंटीरियर कैसे हैं, इंटीरियर में कोई चेंजेस हैं या नहीं। तो सीधे चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं इंटीरियर में कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए। तो गाइस डोर पे ही आपको पावर विंडो और ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और सेम स्टिकरिंग डोर पे भी यूज़ की गई है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि अंदर इंटीरियर में क्या चेंजेस हुए हैं। गाइस जैसे आप देख सकते हो, इंटीरियर में भी सेम किट यूज़ की गई है रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, तो जो कार को ना काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस किट में जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है रेड और ब्लैक का, कार को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दे रहे हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो स्टेयरिंग फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा देखने को, वहीं आपको टैकोमीटर और साथ में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। सेंटर में MID दे दी गई है और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन देखने को मिल जाएगा। अब बात करें गाइस कार के, ये ऑटोमेटिक वेरियंट है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए कार के स्टीरियो सिस्टम की, तो सेम सीट सिस्टम जो आपको स्विफ्ट में मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। बात की जाए कार के सीट्स की, तो गाइस इसमें ड्यूल फैब्रिक का यूज़ किया गया है। वहीं पे आप देखेंगे कार में थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। आपको वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा, पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। बात की जाए प्लास्टिक क्वालिटी की, तो प्लास्टिक क्वालिटी सेम है यार, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। इवन उन्होंने डैशबोर्ड में भी वही स्टिकरिंग यूज़ की है जो कार को काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। बात की जाए यहाँ पे AC के कंट्रोल्स की, तो AC के कंट्रोल्स बहुत ही आउटडेटेड लग रहे हैं यार मुझे, इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है मारुति की तरफ से। बात की जाए यहाँ पे आपको 12 वाट का पावर सॉकेट मिल जाता है और यहीं पे आपको USB ऑक्स केबल का सॉकेट मिल जाता है। कार इंटीरियर से बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रही है गाइस। अब चलते हैं इसकी बैक सीट पे और देखते हैं कि बैक सीट में कितना कम्फर्ट और क्या स्पेस मिल रहा है। अगर इसके बैक डोर में देखेंगे तो बैक डोर में पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अब चलते हैं इसकी बैक सीट में और देखते हैं, बैक सीट में आपको अच्छा लेग स्पेस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। सीट कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है गाइस और 3 लोग इसमें कम्फर्टेबल बैठ जाएंगे, जैसे कि हमारे करंट स्विफ्ट में होते हैं। अब चलते हैं इसके बूट पे एंड देखते हैं क्या बूट स्पेस ऑफर कर रही है ये कार हमारे को। तो गाइस बात की जाए इसके बूट स्पेस की, तो इसमें आपको 268 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि आपको करंट स्विफ्ट में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको एक बूट लैंप दिया गया है, यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया है। एंड गाइस इसके ओवरऑल मतलब कार में ऐसे आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, कार ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। तो मेन चेंजेस आपको इस कार में देखने को मिलेंगे वो है इसके ग्राफिक्स, साथ ही साथ आपको पीछे डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, यहीं पे आपको रियर वाइपर देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ यार मैं इस कार के बैक लुक में, तो इसके रूफ में भी आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ स्पॉइलर इसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है और बैक प्रोफाइल से भी कार काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। तो यार अगर इसका स्पोर्ट्स एडिशन, जो इसको ग्राफिक्स यूज़ करके जो इसका स्पोर्ट्स एडिशन बनाया गया है ना, तो इसके ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा किलर लुक दे रहे हैं गाड़ी को। और अगर जो लोग ग्राफिक्स के शौकीन हैं, तो उसके लिए तो मैं बता दूं यार ये गाइस ये कार आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, इस क्योंकि इसके ग्राफिक्स जिस हिसाब से कंपनी ने यूज़ किए ना, नेक्स्ट लेवल है गाइस, आपको बहुत अच्छे पसंद आएंगे इसके ग्राफिक्स। इंजन परफॉर्मेंस सेम आपको 1.2 लीटर का इंजन इसमें आपको मिल रहा है, तो इंजन परफॉर्मेंस वगैरह सब सेम मिलेगी आपको। जो यूज़ जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ ग्राफिक्स के आए हैं और ग्राफिक्स ज़बरदस्त लग रहे हैं कार में।
सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।